अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटलिन टाइप चेकिंग एंड स्मार्ट कास्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिस्कस करते हैं टाइप चेकिंग। कॉटलिन में जो है वो हम चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ सर्टेन वेरिएबल को यूज करना आपने इस ऑपरेटर एट रन टाइम में। ये जो है वो एक वे होता है जिसमें आप चेक कर रहे होते हैं टाइप ऑफ द वेरिएबल रन टाइम में, जो सेपरेट कर रहा होता है फ्लो को फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ टाइप चेकिंग यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक, और कॉटलिन पुट किया गया फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम पुट किया गया प्रवीण और वेरिएबल एज पुट की गई 24, वेरिएबल सैलरी। वैल्यू पुट की गई है एम्प्लॉय डिटेल जिसके अंदर लिस्ट एनी पुट किया गया लिस्ट ऑफ नेम एज एंड सैलरी। फॉर एट्रीब्यूट इन एम्प्लॉय डिटेल्स इफ एट्रीब्यूट इज स्ट्रिंग, ए प्रिंट इनपुट किया गया नेम एंड वेरिएबल एट्रीब्यूट्स यहाँ पुट किया गया। else if put किया गया attribute is integer print in age and variable attribute, else if attribute is double print input किया गया salary and variable attribute यहाँ पे represent किया गया, else put किया गया print in not an attribute, output जो है वो यहाँ पे represent किया गया name Praveen, age put की गई and salary। यहाँ पे explain किया गया हम जो है वो initialize कर सकते हैं 3 variables को जिसमें name आता है age and salary, then जो है वो हम pass कर रहे हैं list में, देन जो है वो ये ट्रावर्स है लिस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और हर ईच लूप में जो है वो इफ एल्स ब्लॉक है जिसमें हम चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ द एलिमेंट यूज करना आपने इस ऑपरेटर एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव प्रिंट स्टेटमेंट को। यूज करना है व्हेन एक्सप्रेशन, जब आप इजिली जो है वो रिप्लेस कर रहे होते हैं इफ एल्स ब्लॉक्स को विद व्हेन एक्सप्रेशंस के साथ। हम जो है वो ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं अबाउट एक्सप्रेशंस इन कंट्रोल फ्लो आर्टिकल्स, और फॉर मोर डिटेल्स के लिए हम जो है वो रिफर किया गया व्हेन एक्सप्रेशंस इन कॉटलिन। व्हेन एक्सप्रेशन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर किया है। यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है टाइप चेकिंग व्हेन यूजिंग, और यहाँ पे जो है पुट किया गया कॉटलिन फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम पुट किया गया प्रवीण और वेरिएबल एज वेरिएबल सैलरी, वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी यहाँ पुट की गई है, वैल्यू एम्प्लॉय डिटेल जिसके अंदर लिस्ट एंड एनी यहाँ पे एज नेम सैलरी एम्प्लॉय आईडी पुट की गई है। फॉर एट्रीब्यूट इन एम्प्लॉय डिटेल्स व्हेन एट्रीब्यूट इज स्ट्रिंग इज इंटीजर्स पुट किया गया इज डबल एंड एल्स, ये जो है सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया वेरिएबल्स जो है यूज किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया नेम है एज सैलरी एंड नॉट एन एट्रीब्यूट। स्मार्ट कास्टिंग, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी जो है वो ये रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप एक्सप्लिसिट कर रहे होते हैं टाइप कास्टिंग वेरिएबल्स पर बिफोर असेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेरिएबल, बट कॉटलिन जो है वो एक स्मार्ट कास्टिंग होता है, और कॉटलिन जो है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा होता है वेरिएबल्स को पर्टिकुलर क्लास रेफरेंस जो हम पास कर रहे होते हैं थ्रू द कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ द वेरिएबल यूज करना अपने इंस्टेंट ऑफ ऑपरेटर, एंड देन कास्ट जो टारगेट टाइप पुट की गई है लाइक दिस। जावा पुट किया गया ऑब्जेक्ट और गीक्स फॉर गीक इफ ऑब्जेक्ट पुट किया गया इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग पुट किया गया ऑब्जेक्ट, सिस्टम पुट किया गया आउट प्रिंट इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग लेंथ। कॉटलिन में जो है वो स्मार्ट टाइप कास्टिंग है, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर वेरिएबल है जिसको आप यूज कर रहे हैं इज और इज ऑपरेटर को, जिसमें आप चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड कंपाइल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली कास्ट द वेरिएबल टू द टारगेट टाइप लाइक दिस। कॉटलिन पुट किया गया फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग, वैल्यू पुट की गई है स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू, इफ स्ट्रिंग वन इज स्ट्रिंग सिंगल लेंथ इनपुट किया गया नो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नीडेड, प्रिंट इनपुट किया गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वन लेंथ, एल्स यहाँ पे जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और प्रिंट इन स्ट्रिंग इज नल। आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 13। यूज ऑफ इज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सिमिलरली जो है वो यहाँ पे यूजिंग किया गया और इस ऑपरेटर को जिसमें आप चेक कर रहे हैं वेरिएबल को, कॉटलिन इनपुट किया गया फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग, वैल्यू पुट की गई है स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू, इफ स्ट्रिंग वन इज स्ट्रिंग प्रिंट इनपुट किया गया स्ट्रिंग इज नल, एल्स पुट किया गया प्रिंट इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वन लेंथ, आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 13। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।